बैक स्टडी विद तिवारी, दिस इज योर फ्रेंड आशुतोष तिवारी। तो गाइस आप लोग मुझे काफ़ी सालों का बहुत उनसे कमेंट्स आ रहा था भैया क्लास टेंथ के लिए उशवाल गुरु की तरफ से क्वेश्चन बैंक रिलीज किया गया है, जिसका नाम मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक करके है। बेसिकली ये आपको सारे सब्जेक्ट में रिलीज कर दिया गया है। एंड इस बार का ये बुक काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी सारे फीचर इस बार इस बुक में ऐड किए गए हैं। मतलब आप लोग इस बुक से इस बार प्रिपरेशन करोगे तक 95% आपके क्लास टेंथ में तो रखे हुए हैं। तो ये सब कुछ के आगे इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। तो कोई अभी तक स्टडी तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन वेट कर लो। आपको पता है कि यहाँ पे चैनल पे इस तरह के वीडियोज लाते रहते हैं। एंड गाइस आप लोग को इस वीडियो में बेसिकली हम साइंस के बुक का रिव्यू करेंगे। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा सब्जेक्ट का रिव्यू चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसी वीडियो मतलब उसी सब्जेक्ट का रिव्यू कर दूंगा। तो उससे चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं इस बुक में किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। इसका आप लोग देख तो काफ़ी विर्थ भी ज़्यादा है एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बार दिए गए हैं। तो बेसिकली बात करते हैं डायरेक्टली इसके अंदर के बारे में। तो जैसे ही आप लोग इस बुक को नेक्स्ट करोगे, जैसे पता है कि सबसे पहले तो आपका कंटेंट पेज होता है। तो यहाँ पर आपका कंटेंट पेज जो भी सिलेबस है वो सिलेबस दिए गए हैं, प्लस आपका क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा होने वाला, कितने परसेंट एमसीक्यू में है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। एंड आप लोग का लास्ट में 2024 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है उसके पेपर भी इसमें सोल्यूशन के साथ दिया गया है, प्लस में एक सैम्पल पेपर इस बुक में दिया गया है आपके प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि यहाँ से आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट चैप्टर में जो कुछ समरी पॉइंट होता है वो समरी पॉइंट्स दिया गया है, प्लस में आप लोग को फ्लो चार्ट्स में सारे इस चैप्टर को यहाँ पे समराइज कर दिया गया। मतलब एक चैप्टर में आप लोग इस मतलब एक पेज में इस चैप्टर को कम्प्लीट रिवाइज कर सकते हो, मतलब अलग से रिविजन के लिए कोई बुक भी खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर आप लोग यहाँ पे देखें तो आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ये रहा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पता है कि आपके एग्जाम में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस बुक में बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। एंड उसके बाद आप लोग एसएलसी इंजन क्वेश्चन, फिर केस बेस्ड क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते रहना कितने ज़्यादा इस बुक में इस बार दिए गए हैं। तो ये सारे आपके एसएलसी इंजन बेस्ड क्वेश्चन है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ये सारे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। एंड यहाँ पर आप लोग देखें तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी है, मतलब पता है कि चार मार्क्स का आप लोग बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी यहाँ पे दिया गया है। फिर आप लोग का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जो कि बोर्ड के पीवाईक्यू भी इस बुक में इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया जो कि 3 मार्क्स का होता है, वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। एंड आप लोग नेक्स्ट करोगे तो सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। एंड ये सारे बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड क्वेश्चन ब्रैकेट में लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे ये सारे बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर आपको पता है कि 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इस बुक में दिए गए हैं। एंड एनसीईआरटी का इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। एंड ये सारे आपका देख सकते हो कि एनालिसिस एंड एवोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जो कि अगर अलग से कुछ क्वेश्चन से बेसी बनाता है तो उसको पैटर्न को फॉलो करते हुए और भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। फिर आपका प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि सारे टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए है। फिर आपका लास्ट में यहाँ पे आप लोग देखें तो सेल्फ असेसमेंट का एक पेपर दिया गया है, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस मिक्स दिए गए हैं जिससे आप लोग अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो जो भी इस चैप्टर में पढ़े हो। यहाँ पे देखो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 188 है, मतलब एक चैप्टर में 200 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। मतलब इतने क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो तो बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन ना इस चैप्टर से आप लोग डेफिनेटली छोड़ के नहीं आने वाले हो। फिर उसी तरह से एसी रिवीजन साल्ट आपका सेकंड चैप्टर है, यहाँ से सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है आपका। एंड जिस तरह का फीचर का फर्स्ट चैप्टर में था उसी तरह का फीचर सेकंड चैप्टर में है। एंड उसी तरह का फीचर आपको जितने सारे चैप्टर्स इस बुक में दिए गए हैं सारे चैप्टर्स में आपके दिए गए हैं। एंड इसका सारे सब्जेक्ट का बुक ऑलरेडी आ चुका है, जिसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप लोग परचेस करो तो काफ़ी लोएस्ट प्राइस में भी आप लोग इस बुक को परचेस कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर बताने का आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा सब्जेक्ट का रिव्यू चाहिए, मैं उसी का रिव्यू कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इस वीडियो को फिर से शेयर जरूर।